सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब गौतम, प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या पूरी जानकारी? चूंकि दो जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री बिहार में। और देखिए, नौवीं जो कही जा सकती है कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पार होने जा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा जा सकता है कि आज विक्रम के कृषि मैदान में जो है यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पर जो जनसभा को समर्थन जो है का समाधान, ये जो तैयार हो चुका है, विवेक ठाकुर, बीजेपी सांग सिंह, बीजेपी की एमएलसी वो बैठी हुई हैं मंच पर, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव वो वहां पर मौजूद है। यानी जो कहा जाता है कि जो नेताओं का आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11:30 बजे का जो है निर्धारित समय है कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे अपनी सभा को जो है ये संबोधित करेंगे। और देखिए ये पूरा जो क्षेत्र विक्रम का क्षेत्र जो है ये पाटलिपुत्रा का जो है लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ता है और लोगों की जो भीड़ है, मैं देखिए ये भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए जो कि तीन मंच जो है तीन पंडाल जो है वो बनाए गए हैं, एक पंडाल, दूसरा पंडाल और तीसरा जो है जो बीच का पंडाल है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। दूसरा पंडाल में भी लोग जो बैठे हुए बैठ चुके हैं और तीसरी तरफ जो पंडाल मैं आपको बता रहा हूँ वहां भी जो लोग हैं वहां बैठे हुए। देखिए गर्मी आज बहुत ज्यादा है, जिस तरह से पटना में गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, लोग अभी भी जो है यहाँ पर बैठे क्योंकि देखिए उन्हें सुरक्षा जांच के बीच जो है यहाँ पर प्रवेश करना होगा और नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यानी रामकृपाल यादव के समर्थन में उनका जो यहाँ पे संबोधन होगा और मीसा भारती विरोध में जो है पे खड़ी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती कल जो है राबड़ी देवी का जो है यहाँ पे चुनावी जो है रोड शो। बिल्कुल, तो अब पाटलिपुत्र में मुकाबला मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच का है और आज प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे पाटलिपुत्र में और लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गौतम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, एक बार कैमरे के माध्यम से वो भीड़ की तस्वीरें भी दिखाइए, चूंकि पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ है, लोग पीएम को सुनने के लिए वहां पहुंचे हैं। जरूर, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी प्रदीप से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीर दिखाए कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है पंडाल के चारों तरफ जो है वो लोग दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो प्रवेश धीरे धीरे करते जा रहे हैं, क्योंकि समय जो है समय जो निर्धारित समय है 11:30 बजे और लोग लगातार आ रहे हैं। गर्मी भी बहुत ज्यादा है और गर्मी से बचने के लिए लोगों को जो है टेंट जरूर बनाया गया, मगर जो एक आज भीषण गर्मी है और ये कृषि मैदान है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे अपना संबोधन भाषण जो है 11:30 बजे का जो निर्धारित समय है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और देखिए महिलाओं की संख्या यहाँ पे पहुंची हुई है यहाँ पे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, कुछ महिलाओं से बात कुछ बात करते हैं, महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। नरेंद्र मोदी लगातार 9वीं बार जो है उनका सभा ये कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है, क्या कहिए कि बिहार 40 सीट पर आप लोग का मैंडेट मांगा, कितना 40 का 40, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो भी मोदी जी का तो 400 पार है हमारे बिहार में 40 का 40। विपक्ष कह रही है कि बीजेपी की इस बार जो लहर की बात हो रही है वो लहर, बिल्कुल लहर, विपक्ष तो कुछ भी बोलेंगे, उनका बोलना काम है, बट आप देख रहे हैं जितना भी जनसभा में आप गए हैं आप भी देखे होंगे, सैलाब देखे होंगे भीड़ का मोदी जी के नाम पर, और मोदी जी ने जितना हमारे देश में जितना जागरूकता फैलाई, जितना हमारे देश में काम किए हैं, तो जन जन के दिल में बसे हुए हैं और महिलाएं तो सबसे आगे। एक बात ये है कि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार इस क्षेत्र से चुनाव में जा रही है, मगर 2 बार से रामकृपाल उन्हें हरा रहे हैं। हाँ, वो तो हरा ही रहे हैं और अबर भी हारने जा रही है पूरी बुरी तरह से, पैसा फेंक रही है लेकिन उससे कोई नहीं, पब्लिक के यहाँ भोजन दे रहे हैं मोदी जी, हर व्यवस्था दिए हैं, हर योजना दिए हैं, तो पब्लिक को वो चाहिए ना, एक दिन के लिए पैसा देगी वो पैसा तो खत्म, बाकी अब रामकृपाल भैया जीत रहे हैं 40 का 40 सीट जीत रहे हैं और 400 पार में मोदी आ रहे हैं। जनता परिवारवाद नहीं चाहती है, जनता
हर लोग चाहते हैं कि मैं भी कुछ बनूं, आज मैं भी उसमें हूं, तो हमारे इस भाजपा परिवार में हमारी भी कहीं उम्मीद है। हाँ, आप गुजरात से खासकर यहाँ पर आई हैं। हम बिहार के पटना में पाटलिपुत्र लोकसभा में जो रामकृपाल यादव जी के समर्थन में उसको जिताने के लिए गुजरात से हम 6 बहनें आई है, और आज हमें इस बात की खुशी है कि गुजरात के पनौते पुत्र आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जब इस सभा को संबोधित करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि ये सभा हो जाने के बाद ये सारी बहने भाई और यहाँ की सारी पब्लिक मोदी जी के समर्थन में, रामकृपाल जी यादव के समर्थन में 1 जून को सारा मतदान कमल के बटन पर ही जाएगा, और जंगी बहुमत से सारी सीटें आने वाली है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय गुजरात। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, देखिए गौतम, प्रधानमंत्री के लिए लोगों का ये प्यार है कि गुजरात से उन्हें बिहार तक खींच लाया है पीएम मोदी को सुनने के लिए, और उत्साह तो चरम पर है इन महिलाओं का। यादव का नाम सुना है बिहार में? जी सुना है, और उसकी लड़की ही कुछ, क्योंकि वो मालकिन होते हैं, वो परिवार होते हैं, पर राजनीति में तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को दिया जाता है पद। 2005 से पहले बिहार के बारे में क्या गुजरात में आपने सुना था, जो हालात थे, क्या कैसा हुआ गुजरात में, कैसा बात होता है? गुजरात में ऐसी बात होती है कि 4 बजे जी, हम जिस तरह के हालात देख रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि गुजरात से जरूर बहने आई हैं, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री को भी एहसास है कि टक्कर बराबर की हो रही है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।